नमस्कार, द लीटर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगिया। ये फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। बारिश ने दी दस्तक, कई कॉलोनी और इलाकों में हुआ जलभराव। दो दिन पहले तक घने कोहरे और शीतलहर ने जीवन अस्त व्यस्त कर रखा था। दो दिन धूप निकली तो लोगों को थोड़ी राहत मिली, मगर बुधवार देर रात से शुरू हुई बारिश से फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। दिन में रुक रुक कर बारिश होती रही, इससे शहर की कई पौश कॉलोनियों समेत इलाकों में जलभराव हो गया। इससे राहगीरों को काफी दिक्कतें हुई। मेयर ने लिया कुतुबखाना पुल का जायजा, फरवरी तक दौड़ेगा ट्रैफिक। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने गुरुवार को कुतुबखाना पुल का निरीक्षण करा। इस दौरान निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर ने बताया कि 25 फरवरी तक पुल पर ट्रैफिक दौड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज ये कुतुबखाना पुल का निरीक्षण हुआ है, सारी स्लैब डल चुकी है और ये जो बार बार ये बात आती है कि पुल में देरी हुई है या पुल में देरी हुई है और लेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब भी कोई पुल बनाया जाता है जिसकी लंबाई 1000 मीटर से ज्यादा हो तो उसका जो अनुमानित समय होता है वो 18 महीने होता है, लेकिन ये पुल 17 महीने में ही बनके तैयार हुआ। ये 17वां महीना है जिस पर अब ट्रैफिक चलने की तैयारी है। इस महीने के अंत तक इस पर ट्रैफिक चल जाएगा, तो समय से पूर्ण होने वाला ये पुल है। अगर ये कहा जाए कि 3 महीने ड्राइंग चेंज होने में बीच में रोका गया था तो अगर देखा जाए तो फिर ये 12 महीने में ही बन रहा है, तो काफी तेज गति से काम हुआ है। सेतु निगम की मुझे तो ये लगता है कि ये उपलब्धि होगी कि इतने कम समय में ये काम शुरू किया है। आज जो निरीक्षण किया है उसमें ऐसी कोई खास कमी नहीं है, हाँ बस उनको थोड़ा सा काम को और तेज करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इसी महीने में हर हालत में इस पर ट्रैफिक चले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 25 तारीख तक, 20 से 25 के बीच में इस पर ट्रैफिक चलाने की स्थिति में होंगे। तो जो काम है, जो स्पाउट्स लगे हैं जहां पर अभी व्यू कटर लगने हैं, उनको और बोला गया है कि तेजी से काम करें। जो कुहाड़ा पीर की साइड है उसमें नीचे जो सड़क बन रही है उसको भी कहा है कि वो तेजी से बनाएं। 10 तारीख के बाद जो दो लास्ट के पिलर कास्ट हुए हैं उनका भी इसके फोल्डिंग जो है वो खुल जाएगी और उसको खुलने के बाद वहां पर भी सड़क का निर्माण हो जाएगा। तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि बरेली की जनता को इसी माह मिलने जा रही है, उसके लिए आपके माध्यम से मैं बरेली की जनता को बधाई भी देता हूँ कि बहुत जल्द इसी महीने में हम इसका उद्घाटन कर पूरी बरेली की जनता को इस पुल पर चलाने जा रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिक की थार पर फायरिंग, बाल बाल बचे। थार में सवार रामपुर गार्डन निवासी पेट्रोल पंप मालिक वरुण सूरी पर बुधवार रात बारादरी थाने के इलाके सतीपुर में फायरिंग की दुस्साहिक वारदात हुई। गनीमत रही कि गोली थार की गेट के पार नहीं जा सकी। सूचना पर पुलिस भी फौरन ही सतीपुर चौराहा पहुंच गई और छानबीन करी। पेट्रोल पंप मालिक के दोस्त और परिजन भी इस सूचना पर घबरा गए, वो भी थाना बारादरी पहुंच गए। पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि वो रोजाना की तरह नवाबगंज स्थित पेट्रोल पंप से वापस घर आ रहे थे, उनकी किसी से भी कोई भी रंजिश नहीं है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि थार सवार पेट्रोल पंप मालिक पर फायर क्यों और किस इरादे से किया गया है। सीसीटीवी में एक बुलेट और स्कूटर सवार तीन लोग संदिग्ध भी सामने आए हैं। दूसरे मर्द से नहीं बनाए संबंध तो शौहर ने गुप्तांग में डाल दिया मिर्ची पाउडर। इज्जत नगर में मुड़िया अहमदनगर निवासी युवती का निकाह 3 साल पहले हाफिजगंज निवासी इम्तियाज अहमद से हुआ था। युवती का आरोप है कि शौहर समेत ससुराल वालों ने दूसरे मर्दों से संबंध बनाने का दबाव डाला, मना करने पर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाल दिया। दहेज को लेकर आए दिन मारपीट करते थे, पिटाई के दौरान उसका 3 माह का गर्भपात भी हो गया। युवती ने शौहर इम्तियाज समेत बाबू पेंटर और समीम पर मुकदमा दर्ज कराया है। पीसीएस की तैयारी कर रहे युवक का पेड़ पर लटका मिला निर्वस्त शव। हाफिजगंज थाना क्षेत्र में परेवा कुर्मियान गांव निवासी चंद्रपाल गंगवार का 24 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण प्रसाद दिल्ली में रहकर पीसीएस की तैयारी कर रहा था। बुधवार रात चंद्रपाल के नंबर पर लक्ष्मण का फोन आया, वह बेहद घबराया हुआ था। उसने बताया कि उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उसके हाथ पैर बांध कर फंदे से लटका रहे हैं। इसके बाद कॉल कट गई। गुरुवार सुबह उसका निर्वस्त शव पेड़ से लटका मिला, दोनों पैर जमीन से लगे हुए थे। इस इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गहनता से छानबीन करी। परिजन हत्या के बाद शव लटकाने की बात कह रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर युवक का बैग और कपड़े भी मिले हैं। एक कॉपी में सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है जिससे युवक की मौत की गुत्थी उलझ गई है। बहरहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। क्लिनिक में प्रसव के दौरान टूटी चारपाई, जच्चा बच्चा की मौत। फरीदपुर में झोला छाप के क्लिनिक पर प्रसव के दौरान चारपाई टूटने से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मोहल्ला लाइन पार मठिया निवासी सोनपाल कश्यप की पत्नी सुमन कश्यप
को बुधवार रात करीब 2 बजे प्रसव पीड़ा हुई। वह उन्हें सीएससी ले जाने लगे, तभी पास में क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप अमरपाल वर्मा ने कहा कि वह क्लिनिक पर ही महिला डॉक्टर बुलाकर सुमन का उपचार कर देगा। फिर उसे एक चारपाई पर लेटा ला और कई इंजेक्शन लगाए। अचानक से चारपाई टूट गई और असंतुलित होकर झोला छाप भी सुमन के ऊपर गिर गया। इससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। घबराए परिजन सुमन को सीएससी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सुमन की मां नन्नी देवी ने झोला छाप अमरपाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनुराग गौतम का कहना है कि जच्चा बच्चा की मौत का मामला संज्ञान में आया है। क्लिनिक पर एक टीम भेजी थी, वहां पर ताला लगा मिला है। क्लिनिक पर नोटिस चस्पा किया गया है। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। नहर में पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सर्कस में गुरुवार शाम नहर में शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला और पूछताछ करी तो शिनाख्त गांव निवासी 54 वर्षीय विष्णुकांत अग्रवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। 7 स्टार और लेक व्यू अपार्टमेंट में लगी आग, लोगों में फैली दहशत। गुरुवार को सिविल लाइंस और डीडीपुरम में बने एक अपार्टमेंट में आग लगने से 2 बड़े हादसे होने से टल गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल आग पर काबू पा लिया। इस दौरान आग की दहशत से लोग अपने अपने फ्लैट से निकलकर बाहर रोड पर आ गए। पहला हादसा डीडीपुरम में संता बंता रेस्टोरेंट के पास बने 7 स्टार अपार्टमेंट में हुई। थर्ड फ्लोर पर सनी साहनी के फ्लैट नंबर 76 में किचन में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। वहीं दूसरा हादसा सिविल लाइंस में अक्षर विहार के पास लेक व्यू अपार्टमेंट में हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई थी। आग फैलने के डर से वहां रहने वाले लोग निकलकर सड़क पर आ गए। FSO संजीव यादव ने बताया कि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बुझा दिया। हाईवे पर छुट्टा पशु से टकराने के बाद आग का गोला बनी कार। बड़ा बाईपास पर छुट्टा पशु से टकराने के बाद कार आग का गोला बन गई। घटना से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक सुभाष नगर में रहने वाले रविकांत फरीदपुर की भरतपुर ग्रामीण बैंक शाखा में कैशियर है। वे गुरुवार सुबह घर से बैंक जा रहे थे, तभी बड़ा बाईपास पर पुल के पास अचानक उनकी कार के सामने छुट्टा पशु आ गया। छुट्टा पशु से टकराने के बाद कार में स्पार्किंग के साथ आग लग गई। रविकांत ने फौरन बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते चंद सेकंड में कार आग का गोला बन गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिस ने कार को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक को चालू करवाया। स्कूल में शिक्षक ने फोड़ा छात्र का सिर, पिता ने दी तहरीर। आलमगिरीगंज निवासी मोहित शर्मा का बेटा अव्रल शर्मा प्रभा टाकीज के पास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 9 का छात्र है। मोहित का आरोप है कि स्कूल में गलत चैप्टर खोलने पर मैथ के टीचर उमेश ने अव्रल को जमकर पीटा और उसका सिर फोड़ दिया। वहीं शिकायत पर प्रिंसिपल धीरेन्द्र शर्मा ने छात्र की गलती बताते हुए उसे फर्स्ट एड करके घर भेज दिया। मोहित ने शिक्षक उमेश के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।